हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे टॉपिक इज हाउ टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर इन विंडो 7। हम फाइल और फोल्डर को कैसे मैनेज करते हैं विंडो 7 के अंतर्गत, ये आज हम सीखेंगे। तो उसमें हमें ये जानना है सबसे पहले कि हम फाइल और फोल्डर को बनाते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमें फ़ाइल बनाना है तो फ़ाइल बनाने के लिए हमें सबसे पहले कोई एक प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट बटन पर जाते हैं और हमारे सामने जैसे दिख रहा है, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे माइक्रो ऑफिस वर्ड हो, एक्सेल हो, कुछ भी एक प्रोग्राम लेना है। अगर हम माइक्रो ऑफिस वर्ड पर जाते हैं तो हमने इसको ओपन किया। ओपन करने पर हम इस पर कुछ टाइपिंग करते हैं। हमने एक कोई पिक्चर इंसर्ट कर दिया क्लिप आर्ट से लेकर, ये एक इमेज है, ये इंसर्ट किया है मैंने। ठीक, इसके नीचे लिखा दिस इज अ हाउस। ये हमारी एक फ़ाइल है। अभी ये फ़ाइल हमारी सेव नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे, या तो हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करेंगे, या हम अपने ऑफिस बटन में जाएंगे। अगर हम ऑफिस बटन में जाते हैं तो ऑफिस बटन पे गए और हमने सेव ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे एक नाम जिससे फाइल हमारी सेव होनी है, और उसके बाद हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये फाइल हमारी क्या हो गई, सेव हो गई। इसे ही हम कहते हैं फाइल। अब इस फाइल को हम कहाँ देख सकते हैं, हम स्टार्ट बटन पे गए। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, उस डॉक्यूमेंट पर गए। उस डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद हम अपने नाम को ढूंढेंगे कि हमारा नाम कहाँ पे है। ये देखिए, ये राजपूत नाम है, मैंने राजपूत के नाम से सेव किया था। इसे ओपन करेंगे और ये देखिए, ये हमारी फ़ाइल आ गई। तो इसी तरीके हमारा फाइल बनता है। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। तो नेक्स्ट, जो ये हमारा प्लेन एरिया है तो वहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन के पास गो टू फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे। जैसे हम फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा एक फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर पे अपना एक नाम दे देंगे, जैसे मैंने लिख दिया इस पे राज। तो ये हमारा एक फोल्डर बन गया, उस पर हमने क्लिक कर दिया, ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर को हम रीनेम कैसे करेंगे, इसी फोल्डर पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आता है, ये हमारी पॉपअप मेनू ओपन होगी और हम जाएंगे रीनेम के ऑप्शन पर। रीनेम के ऑप्शन पर जैसे जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ ब्लू कलर की लाइन हो गई, इसका मतलब अब हम अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। और राज हटाकर हमने कर दिया यहाँ पे राजपूत। तो ये हमारी फोल्डर बन गई, ये फोल्डर है। तो इसी तरीके हम अपने फोल्डर को क्रिएट करेंगे और इसको हम रीनेम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी टॉपिक है कि हम किसी भी फोल्डर को मूव कैसे करेंगे और कॉपी कैसे करेंगे। तो हाउ टू मूव फाइल एंड फोल्डर्स एंड हाउ टू कॉपी फाइल एंड फोल्डर्स सिमिलर है। अगर हम जिस तरीके हम फोल्डर को कर रहे हैं उसी तरीके हम फाइल्स को भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आज आपको
फोल्डर को कैसे मूव करते हैं ये बताती हूँ। सेम प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारे सामने देखिए दो फाइल हैं, दो फोल्डर बनी हैं, एक किरण नाम से है और एक राजपूत नाम से है। सबसे पहले हमें कॉपी करना है, या तो हम इसे ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके में, ये फाइल हमारी उसके अंदर में चली गई, लेकिन हमें शॉर्ट फॉर्म में नहीं। अगर फ्यूचर में हमें कभी भी कोई भी चीज़ें देखनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसीलिए तो पहले हम इस फोल्डर को बाहर निकालते हैं। ये राजपूत है, हम गए किस ऑप्शन पे, कॉपी ऑप्शन पे। कॉपी ऑप्शन पे जाने के बाद हमने इसको यहाँ से कट किया और ये जो प्लेन एरिया है वहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी फोल्डर 12, यानी इसे बोलते हैं कॉपी करना। फिर से समझिए, ये फाइल है ये किरण नाम की, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम करेंगे किस ऑप्शन पे जाएंगे, कॉपी ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हमने कॉपी किया, ये हमारी दूसरी फाइल है। इस दूसरी फाइल को हम ओपन करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन ऑप्शन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद यहाँ पे प्लेन एरिया है, यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। तो जो हमारी फोल्डर बाहर थी वो हमारी अंदर भी आ गई। अब कॉपी और कट में, जैसे देखिए ये न्यू फोल्डर, एक फोल्डर है हमारे पास, अब हम इसे कट कर रहे हैं। जैसे ये राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद कट ऑप्शन पे गए, यहाँ से हमने कट किया और राइट क्लिक किया और राजपूत के फोल्डर को ओपन किया। यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये फोल्डर देखिए अंदर है, इसे हमने बंद किया। देखिए यहाँ पर न्यू फोल्डर से कोई भी फोल्डर हमारे पास नहीं है। तो इसी तरीके कट और कॉपी में डिफरेंस होता है। बस ये ध्यान रखना है कि सेम नेम ना हो फाइल या फोल्डर का, ओके। नेक्स्ट है, किसी फाइल और फोल्डर को हम कैसे डिलीट करते हैं। राइट क्लिक किया मैंने और इसके बाद हम लोग किस ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे। डिलीट ऑप्शन पे जाने के बाद डिलीट पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो आपसे ये कहेगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकिल बिन। तो ये जो आपकी फोल्डर है यहाँ से डिलीट, यहाँ से मूव होकर कहाँ पर चली जाएगी, रिसाइकिल बिन पर। तो आप इस पर क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो ये हमारी फोल्डर क्या हो गई, यहाँ से हटकर रिसाइकिल बिन में चली गई। तो ये हमारी एक छोटी सी टॉपिक थी कि किसी भी फाइल और फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे रीनेमिंग करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। आगे की जो भी चीज़ें हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।